ये जो एक्सीडेंट है, मुझे तो लगता है मुझे जीवन भर एक सीख भी देगा कि भाई बाइक उतनी भगाओ जितनी रोक पाओ। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भोलेनाथ सबके साथ। आई द बाइकर एंड दिस इज़ माई स्टोरी। मेरा नाम है शुभम और हम बनी बिहार से। दिल्ली आए थे भैया इंजीनियरिंग करने और बन गए हैं बाइकर। और अभी तक करीब 80,000 किलोमीटर इस देश का कोना कोना घूम चुके हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जब तक जिएंगे बाइक चलाएंगे। लेकिन बाइक चलाने के लिए, घूमने के लिए चाहिए भैया पैसा, तो हम बन गए एक यूट्यूबर। वीडियो बनाते हैं, अलग अलग जगह के बारे में बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं, थोड़ा काम धाम चल जाता है। और फर्स्ट राइड जो हमारी थी, क्योंकि जब हम आए इस इंडस्ट्री में तो देखा कि सब लोग पागल हैं एक जगह के लिए जिसका नाम है लद्दाख, तो हम चल पड़े लद्दाख की तरफ। फर्स्ट राइड हमने की दिल्ली से लद्दाख। हो गया वहाँ पे हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद भाई हमारा थोड़ा सा मेल ईगो हर्ट हो गया कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हमसे नहीं हो पाई, क्योंकि एक्सीडेंट इतना बुरा था कि वापस वहाँ से दिल्ली आना पड़ा। आगे की राइड कम्प्लीटली बंद हो गई, बाइक को भी ला नहीं पाए, बाइक को भी कुरियर के थ्रू भिजवाया। जब मैं बाइक चला रहा था तो मेरा जो एक्सीडेंट हुआ बेसिकली वो किसी और की गलती के कारण नहीं हुआ, वो मेरी गलती के कारण हुआ। मैं एक थोड़ा न्यूबी राइडर था तो मैं चेक कर रहा था बाइक कितनी तेज़ जाती है। 140 पे था मैं और एक्सीडेंट हो गया मेरा। मैंने नीचे गार्ड्स नहीं पहने थे जिसके कारण मुझे दो चीज़ें पता चली। एक तो भाई अपनी बाइक उतनी भगाओ जितनी रोक पाओ, और दूसरा राइडिंग गियर्स बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये मैसेज भी मैं देना चाहता हूँ अपने जितने भी राइडर्स भाई हैं कि आप अगर राइड करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि बाइक कितनी महंगी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपके राइडिंग गियर्स कितना सेफ़ हैं, तो ही आप राइड करें, तो ही आप अलग अलग टेरेन्स पे जाएं। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भोलेनाथ सबके साथ। मुझे लगता है कि एक जो राइडर होता है या जो ट्रैवलर होता है, वो जब ऐसे कहीं जगहों पे जाता है तो सिर्फ राइड का एक्सपीरियंस नहीं लेता है, मुझे लगता है लोगों को भी जानता है वो, और जगहों को सिर्फ जो अलग अलग सराउंडिंग्स है, लैंडस्केप है, सिर्फ उसके लिए नहीं मैं राइड करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कहीं भी जाओगे तो जगहों से ज़्यादा आप लोगों को जानोगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि एक बाइकर बनने से, एक व्लॉगर बनने से, यूट्यूबर बनने से, राइडर बनने से क्या चेंज मेरे लाइफ में हुआ है, तो जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हुआ है। जब मैं बच्चा था, छोटा था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा शाय था, शर्मीला था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं किसी को भी अपना दोस्त बनाने में, किसी से दोस्ती करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये मुझे लगता है कि बाइकिंग से या जगहों को एक्सप्लोर करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। वैसे अभी तक तो मैंने इंडिया में नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, कुछ पार्ट ऑफ सेंटर इंडिया, ये सारा चीज़ कवर कर लिया, और आने वाले एक दो महीने में शायद मैं साउथ इंडिया भी देख ही लूँगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मेरा ड्रीम राइड क्या है, तो बड़ा मन है, पता नहीं कभी कवर कर पाएंगे या हो पाएगा कि नहीं, लेकिन बड़ा मन है कि वर्ल्ड टूर किया जाए अपनी बाइक पर, जहाँ तक पॉसिबल हो पाए, जितना बन पाए वो करना है। और अगर ड्रीम बाइक की बात की जाए, करेंटली मैं KTM की 390 एडवेंचर राइड कर रहा हूँ। और यार ये सपना हमेशा बदलता रहता है भाई। जब मैं स्प्लेंडर चलाता था तो मेरे लिए अपाचे ड्रीम था, और जब KTM पे हूँ, अभी BMW है, क्या पता आगे कौन कौन सी बाइक नई नई आएगी, सपना बदलता रहेगा। और बाकी मैं XBHP को 2018 से जान रहा हूँ, मुझे कुछ कुछ चीज़ें बहुत इससे जानने को मिलती है, अलग अलग बाइक्स के बारे में पता चलता है। इंटरनेशनल ट्रिप्स बाइक पे कर सकते हैं, मुझे सबसे पहले XBHP से ही पता चला था। और सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती है कि ये राइडिंग कल्चर को प्रमोट करते हैं और सेफ्टी को प्रमोट करते हैं। एक बाइक में जितना इम्पॉर्टेंट इंजन ऑयल होता है, ब्रेक्स होते हैं, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है टायर। अगर आप पूछोगे कि बाइक का माइलेज किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो टायर पर डिपेंड कर रहा है। बाइक की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है वो भी कहीं ना कहीं टायर पर डिपेंड करती है। मैं कभी भी अपने बाइक पे नया टायर इंस्टॉल करवाता हूँ तो सबसे पहले ये ज़रूर देखता हूँ कि क्या ये टायर ऑफ रोड एंड टायरमैक दोनों के लिए सुटेबल है कि नहीं। जब भी आप भी कभी टायर इंस्टॉल कराएं, तो अपनी राइड का, अपने आने वाले ट्रिप्स का, या फिर अपने डे टू डे यूज़ का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि पर्पस सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी आप अपना नेक्स्ट टायर इंस्टॉल करें, तो सबसे पहले अपने पर्पस को जाने। ये नहीं कि दुकान वाले ने क्या बोला है, भैया हम वही टायर लगवा देते हैं,
अपना पर्पस को जानो, उसके अकॉर्डिंग राइट चॉइस ऑफ टायर्स लगवाओ, तो आपको राइड करने में मज़ा आएगा, बाइक चलाने में भी मज़ा आएगा।